नमस्कार, आप भी कुछ नहीं हो? आप सभी लोग ठीक हो गए? मैं भी ठीक हूँ। और आप भी सुबह बिल्कुल हो गया है और मैंने बोली और सबको मैं वहाँ बाल आया है और मैं इसकी फैन और लाइट बंद करने के लिए, इसमें अब कोई नहीं है। तो अब हम देखिए, हमने सारा काम किया है और बहुत सारा आज काम था, संडे था। और देखिए जी, इतने सारे कपड़े रखे हैं ये, इनको भी करके यहाँ रखेंगे। और अभी मेरा खाना ना नहीं बना है तो अच्छा भी नहीं लग रहा है। और आप मेरा, मैं भी खाना बनाऊँगी। आज मेरा थोड़ा मूड है कि मैं क्रोनी बनाने का, मेरा मूड भी बन रहा है, बना लूँ। देखो टमाटर भी रखे हुए हैं, प्याज भी है, सब कुछ है। तो मैं सोच रही हूँ बना लूँ, क्यों बनाना तो है ही, तो मैं बना लूँ। ओहो, और पापा के लिए रोटी बनाएंगे। और मैं सोच रही हूँ बना लूँ। और क्या, कपड़े भी हमको इस्त्री करके रखने हैं। और बहुत टेंशन में भी हूँ, क्या करूँ। सनलाइट बहुत तेज़ आ रही, थोड़ा कम करूँ इसको। लाइट बहुत तेज़ आती है, बहुत तेज़ आ रही है, मौसम ठंडा है, मैंने कम कर दी लाइट। और अभी कुछ बनाया भी नहीं है। मैं सोचती हूँ इतने सारे कपड़े रखे, इनको इस्त्री करके रख लूँ। और कहिए फैले हुए हैं कपड़े, इनको रख दूँ सारे, अच्छा नहीं लगता है ऐसे फैले हुए। और पहले मैं मैक्रोनी बॉइल करने के लिए रख दूँ, इसको भी मैं उबाल दूँ, फिर इसको फ्राई करेंगे। आप सभी लोग खाना, मैं आपको खिलाऊंगी। और आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए एंड तक, मैं आपको सबको दिखाऊंगी। और माँ जी मेरी है नहीं तो मुझे सारा घर का काम करना पड़ता। ये देखिए, तोरई की सब्जी कटी रखी है, मैं तोरई की सब्जी भी बनाऊँगी। और अभी तो फिलहाल में मैक्रोनी ये बनाऊँगी, क्योंकि मैं घूमने आई हूँ, देख सकती हूँ मैं सब बनाऊँगी। इसे तलेंगे, इसे तो गरम करना है, इसको बनाना है। और चाय तो मैं पीती नहीं हूँ, बाय चांस बहुत कम चाय पीती हूँ। चाय थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी तो डॉक्टर ने मुझे चाय के लिए मना किया है। चाय आप, मतलब आपका ज़्यादा मन करे तो थोड़ी ले लेना, वैसे तो आप चाय बिल्कुल नहीं पीना। तो मैं, हम चाय तो बहुत ज़्यादा मन करता है तो थोड़ी ले लेती हूँ, पर ना मैं नहीं लेती हूँ चाय। तो ओ गॉड, अब हम इसमें हल्का सा नमक डालेंगे, इतना सा नमक डालेंगे और इसे हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। बॉईल करने के लिए गरम इसे उबालेंगे हम गरम पानी में। ओहो, बहुत टेंशन है। मैं सोचती हूँ कि मैं जल्दी से खाना भी बना लूँ। क्या है, कहाँ गए थे? ये मेरा मोती आ गया, कुछ फरमाइश करेगा। ये मेरा डॉगी आ गया है, देखिए ये अंदर जा रहा है, अंदर बैठेगा आके, कुछ इसको भरोसा ही नहीं है। कहाँ जा रहे, कहाँ नहीं, इसका तो बैठने से मतलब है। इधर ही रहना, अंदर ना जाना, बहुत मारेंगे हम तुमको। मेरा डॉगी ऐसा है, परेशान नहीं करता किसी को भी। और कितना भी अच्छा स्वादिष्ट खाना हो, भले ही उसका मन का ही क्यों ना हो, कभी छूता नहीं है। खुला भी रखा हो कभी नहीं छू सकता है। जब ये हमसे मांगेगा, मांगता है ये, को अपनी मर्जी से कोई चीज़ छू ले, छू नहीं सकता है। तो मैं, देखिए प्यास भी लग रही है,
तो मैं अभी पानी पीने जा रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ सब्जी भी बना दूँ, क्या करूँ, सुबह बहुत जल्दी उठती है, कपड़े तो बहुत सारे हैं, धुल के डाल रखे हैं, तो कपड़े भी बहुत सारे धुले थे और बेड शीट भी थी, मतलब चादरा वगैरह थे, और मम्मी थी नहीं तो वो धुलती, मैं ऐसा काम कुछ नहीं कर पता है। रात में मुझे भीगने की वजह से थोड़ी हल्की सी खांसी भी आ गई थी, तो पर फिलहाल अभी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। राखी नाम दे का तो नहाने जा रही है, तो मैं तब तक प्याज वगैरह इसे कट कर दूँ। तोरे की सब्जी में प्याज अच्छा लगता है ना। ये देखिए भाई नहाने जा रहे हैं भैया, और थाली में काट ले सही में, अब जित रही है मिल के धर ली है बस, प्याज ही लड़ने हैं, लहसुन थोड़े ना फोड़ने हैं। लो मेरा काम कम हो गया, ये प्याज कट करने जा रही है, देखिए ये बनाएंगे हम, तब तक कपड़े खड़े करने। ओहो अरे गैस इसी बन रही है, फ्रेंड्स बताइए नवरात्र कब से स्टार्ट हैं, बताइए कौन कौन फास्टिंग करेगा, और आप लोग मुझे कमेंट में बोलना जो फास्टिंग करे वो भी बताना, और कब से हैं स्टार्ट वो भी बता देना, कमेंट्स में बताइएगा। और नवरात्र में बहुत अच्छा लगता है, माता रानी कृपा सब पर बनी रहे, तो बहुत अच्छा टाइम होता है। कितने सारे कपड़े हैं धुलने जाओ तो, इतने सारे पहनने जाओ तो है ही नहीं, धुलने के लिए बैठो बहुत सारे कपड़े तुम्हें दिखेंगे, और जब पहने जाओ तो है ही नहीं, कपड़े ही नहीं है, कम पड़ रहे हैं, वो नहीं ये नहीं है ये, और दूसरे टाइम तो बहुत सारे कपड़े मिलेंगे। क्या करें जल्दी जल्दी कपड़े इकट्ठे करके रख दें, सब्जी बनाओ, मैक्रोनी रहोगे ना, दो रोटी सब्जी थोड़ी बनाए बनाओ, इसीलिए भूख लगी है, दोपहर में भी लगती है भूख, ऐसी बात नहीं है, भूख का टाइम होता है दोपहर में भी भूख लगती है कभी कभी, तो अब लगने लगती है ऐसी बात नहीं है। तो मैं दो फ्रेंड और मैं बहुत क्या करूँ, अच्छा भी नहीं लगता, मैं कुछ दिनों से वीडियो भी नहीं डाल रही, मुझे पता है थोड़ी
मतलब टेंशन हो रही है, अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं नहीं डाल पाती डालती हूँ फिलहाल। जिस वजह से आप सोचते हो मैं वो उस तरह से मैं भी नई वीडियो डाल पा रही हूँ, मैं उसके लिए आप सभी लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि थोड़ी दिक्कत है इसलिए अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं अभी नहीं डाल सकती हूँ। थोड़े दिन की और बात है, जब तक जो मैं डालती हूँ आप उसी को देखते रहिए और उसमें मेरा हौसला बढ़ाते रहिए, मतलब आप तो समझ ही सकते हैं हर इंसान की फीलिंग्स एक दूसरे के वक्त हो सकता है कि नहीं, तो मैं समझ रही हूँ, आप लोग भी समझते होंगे कि अच्छा नहीं होता है, सही नहीं लगता है। तो थोड़े दिन की और बात है, मैं अच्छे से वीडियो डालूँगी तो आप लोग देखना, और अभी मैं फिलहाल में जिस तरह की भी वीडियो डालूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करना उसी तरह की वीडियो में, तो मतलब हमें ये लगेगा मेरे जो यूट्यूब फैमिली है वो मुझे मतलब कि मेरा जो इस टाइम जो मेरी सिचुएशन चल रही है वो समझ रही है। तो कुछ लोग होते हैं नहीं समझते हैं, और कुछ लोग होते हैं समझते भी हैं, ऐसी बात नहीं है ना समझे। अब आप देख सकते हो फिर सारे कपड़े सही से हो गए हैं, अब हम इनको यहाँ पे सेट करेंगे एक एक कपड़े करके, आप देख लेना, मैं आपको दिखाऊंगी जितने भी कपड़े सेट हो गए मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। देखिए क्यों तेल लेके नहीं आए थे, तो तेल के लिए पैसा 200 रुपया के तो वही आएगी सब्जी। हाँ अंजलिस ना पूछ लियो, खुद ही बताई थी अंजलि 60 रुपया को तो प्याज लहसुन है। अरे ले आए थे माँ के लिए, तो ये देखिए मैंने रख दिए सारे कपड़े, देखे है तो लेंगे, का टेंशन ले रही, लेंगे वो लेंगे, और अभी तो है फिलहाल में। अब आज कर देंगे, अब मैं इसको पर्दा डाल दे रही हूँ बस। ओफो, और आप देखना ये सोयाबीन है, थोड़ा सा मैक्रोनी में डालेंगे हम इसको भी हम भिगोएंगे, और आप लोग देखना कभी दाल में ऐसा नूडल सना लेती हूँ अच्छा लगता है इसी बात। तो मैं अभी इसको मैं भिगोऊंगी, अब ये फूल जाएगा तो मैं इसको भी उसी और उसमें पास्ता बनाया मैं इसमें डाल दूँगी, और आप लोग देखना मेरा डॉग बहुत अच्छे से वेट कर रहा है, अभी इसको भूख लगी है तो ये इसको बोलेगा मुझे भूख लग गई बहुत। ओहो देखो मैंने ये इतनी भगो दिया, ये थोड़ी देर में फूल जाएगा फूलने से। तो मैं भी इसको ऐसे अब मुझे पता भूख भी लग रही बहुत तेज, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है, मुझे भूख लग रही है, अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो मैं सोचती हूँ कुछ अब मैं लेट जाऊँ थोड़ा आराम कर लूँ। मैं रोने वाली देखियो धीमी कर दे बस, गुस्सा दिखाई रही हो
छोड़ो काम का बताओ, काम करती नहीं है इसलिए बहुत गुस्सा दिखा रही है। काम दिखा दिया बस, हंसने लगी। ना ढक दे तेरा प्लेट लेने जान नहीं तो मैं जाने खोलने का। जगह है देखिए, ये सब्जी बना रहे हैं। ये देखिए देखिए सब्जी बन रही है, आप देख सकते हो। ये भी खाना बना रहे हैं। ये देखिए गुस्सा है, पता नहीं बना है ना बना है कोई, अधूरा ही छोड़ दे उसकी। अरे बाबा मैं लेट गई। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइबर करना। हाँ जो मैं जल्दी में बोल गई हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक और कमेंट्स भी करना, और लोगों तक मतलब मेरा सपोर्ट जिसके ना बताओ फिर तो उन लोगों को मेरा चैनल पहुँचा देना। और अब बाय बाय। अब मैं अभी इतना ही में वीडियो आपको अपने यहाँ का दिखा दिया है, और नेक्स्ट ब्लॉग में हम फिर मिलेंगे। बाय बाय, नमस्कार, राधे कृष्ण। आप सभी लोग खुश रहो, मैं भी खुश रहूँगी। और मतलब बाय बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।